नमस्कार, स्वागत है वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। आज रात में जब रुआ सुतल रही तेको बहुत बड़ा परिवर्तन फेर हो गई बुड़ुए, और परिवर्तन ऐसा भइल बा जौना से बुझाता कि एनडीए एक बार फिर से बैकफुट पर चल गई। जी हाँ, रुआ जैसा जानकारी मिले बुड़ुए कि आज से चार दिन पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के लेके तीन गो घटक दल बैठ के और ये कह दिले कि हमने के सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय हो गई। 17-17 छः के फॉर्मूला तय भई और एक सीट राज्यसभा के देवे खातिर भी एनडीए के सबसे बड़ घटक दल और कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी राजी हो गई। एक के राजी करा में बहुत बड़ा भूमिका निभौल रहन नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन रातों रात ऐसा घटना घटल कि एगो घटक दल उनमें से निकल के बाहर चल गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के जाए के जो सिलसिला बढ़ुए वो रुके के नाम नहीं खेले थे। जीतन राम मांझी, ओकरा बाद बिहार से ही एगो और घटक दल उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, एगो और दल निकल गए। जब न्यूज बिहार से बातचीत भैया से चार दिन पाँच दिन पहले जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूला ना तय भई रहे, तब वह पार्टी के लोग से बातचीत के दौरान पता चला कि वो लोग अब ई बात सोच रहे बुड़ुए कि जैसे ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय हुई ओकरा पहले उनको के बुलावल जाई और उपेंद्र कुशवाहा के जौन अलग भइल बाड़े उनकर सीट उनका के दे दिया। लेकिन ऐसा भइल ना। ये बात से अब काफ़ी नाराजगी बढ़ जाते हुए एक राज्य के फैसला हो गई, जबकि पूरे देश भर में एनडीए के गठबंधन दल के कोई बैठक नहीं के भइल कहल जाला। और वह जानत भी बानी कि एनडीए में बहुत सारा दल शामिल बाड़े। एगो समय रहे कि 2014 में 16-17 दल से मिलके एनडीए बना रहे और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड के लिए रहे। वो पूरे देश भर में सत्ता के सीढ़ी पर सबसे ऊपरी पैदान पर रहे। स्थिति ऐसा बन रहे कि कांग्रेस ऐसा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी 44 सीट पर आकर अटक गई रहे। बिहार में जे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग अलग लड़ रहे वो लोग के जमानत तक जब्त हो गई रहे। 2 सीट पर आ गई रहन नीतीश कुमार, 3 सीट पर आ गई रहन लालू प्रसाद, और रुआ याद हुई कि कांग्रेस ऐसा पार्टी भी मात्र 2 सीट बिहार में ले रहे। एकरो के बहुत बड़ा बात समझल जात रहे। लेकिन अब एक और पार्टी के एनडीए से बाहर भइला से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विश्व के सबसे बड़ पार्टी मानल जाले ओकरा खातिर बहुत बड़ा झटका बढ़ुए। आई रुआ के बता देते नहीं कि वो दल कौन हुए, खास करके ओकर तासीर, ओकर हाव भाव, ओकर चाल चलन, ओकर क्रियाकलाप सब कुछ भारतीय जनता से पार्टी से मिलत रुए और भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुरान सहयोगी बढ़ुए। जब केहू ना रहे तब भी वो साथ में रहे। ओकर नाम है शिवसेना। शिवसेना पूरी तरह से अलग हो गई बुड़ुए और ऐलान कर दिले बुड़ुए कि अब वो एनडीए के हिस्सा नहीं खन। सबसे बड़ बात रुआ के बता दें कि एकर घोषणा अब पूरी तरह से हो गई बुड़ुए। अब वो कोनो सूरत में एनडीए के साथ चुनाव लड़े के तैयार नहीं खन, खास करके बिहार में। बिहार के जौन अध्यक्ष बन शिवसेना के वो सीधे सीधे कह दिले बड़े कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के हरावे खातिर, एनडीए के हरावे खातिर वो 40 के 40 सीट पर लड़ी हैं और ओमें से अधिक सीट जीते के प्रयास करी हैं। पूरे बिहार भर में जौन 40 गो लोकसभा सीट बा 40 लोकसभा सीट पर और सीधे सीधे देखब कि एनडीए के एक और घटक दल उनका विरोध में चुनाव लड़े खातिर तैयार हो गए बड़े। ये अब के सबसे बड़ा अपडेट बढ़ुए और भारतीय जनता पार्टी खातिर ये सबसे बड़ा चिंता के कारण बनल जाते हुए। एक सबके बीच के मान मनोबल करी आगे का हुई और देश भर में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना घटक दल के एनडीए में बरकरार रख पाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गई बुड़ुए। जुड़ा रही सब न्यूज बिहार और भारत लाइव के साथ। फिर कौन खबर लेके हाजिर होगा, तब तक खाती गोड़ लगा तनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।